तो आज हम लेक्चर नंबर 27 में हम लॉगरिथम की कुछ कंडीशन डिस्कस करेंगे और ग्राफ डिस्कस करेंगे। इसका इसका जो ग्राफ होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, वहां ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम ग्राफ से जब सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी आंसर आता है। और स्पेशली यदि आप IIT JEE में मेंस और एडवांस जो है इनको क्वालिफाई करना चाहते हो तो ग्राफ का पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और स्पेशली एडवांस में, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं यदि आप एल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे तो हो सकता है 2 पेज बढ़ जाए, 3 पेज बढ़ जाए, और टाइम बहुत ज्यादा होगा। और प्रॉब्लम टाइम नहीं है, प्रॉब्लम पेज भरना भी नहीं है, प्रॉब्लम क्या है जितना ज्यादा कैलकुलेशन, जितनी ज्यादा स्टेप, उतनी ज्यादा सिली मिस्टेक्स होने के चांस। तो हमारा टाइम भी गया, मेहनत भी हुई, रफ पेज भी गया, आंसर भी गलत आने का चांस ज्यादा है। यदि आंसर आने का चांस सही आंसर आने का चांस यदि ज्यादा होता तो फिर हमें ये सब प्रॉब्लम नहीं होती, हम इतना एफर्ट कर लेते, इतने जो टाइम का सेक्रीफाइस है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि फिक्स आवर्स है, 3 आवर्स में पेपर करना होता है, वो सेक्रीफाइस भी हम झेल लेते, बट एंड रिजल्ट जो है आंसर वहीं पर हम फंस जाते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा स्टेप्स उतनी ज्यादा कैलकुलेशन, उतना ज्यादा सिली मिस्टेक्स होने का चांस। यहाँ ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ बनाओ, विद इन 2 स्टेप्स आंसर सामने दिखता है। कोई क्वेश्चन यदि 15 मिनट में होना है तो ये ओनली 20 सेकंड लेता है, 20 से 30 सेकंड स्टार्टिंग में 1 मिनट लग सकता है बस, इससे ज्यादा नहीं। तो सोचो कितना टाइम सेव होता है, रफ पेज सेव होता है, और आंसर में गलती होने का चांस ही नहीं है यदि ग्राफ अच्छे से बनाना आता है, बिल्कुल गलत नहीं, सामने दिखता है आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, डोंट वरी, पर अभी हम इसका बेसिक जानते हैं कि ये जो ग्राफ होता है किस तरह से बनता है। यहाँ जो लॉग है इसके 2 ग्राफ्स बनते हैं, अब कौन सा ग्राफ कब बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें सीखना। चलिए सबसे पहले तो मैं लॉग फंक्शन लिखता हूँ। लॉग फंक्शन क्या होता है, fx इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस a, इस तरह से हमारा फंक्शन होता है। अब यहाँ कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस को हमें याद रखना है। क्या कंडीशन होती है, एक तो वैल्यू के लिए होती है, यहाँ पर जो x है, x ये x क्या होता है, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना, और जो a है, ये a क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम बोलते हैं बेस। तो बेस और वैल्यू, इन पर कुछ कंडीशंस होती हैं, इन कंडीशंस को हमें याद रखना है। फर्स्ट कंडीशन x के लिए कि x जो है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, बस नेगेटिव नहीं चलेगी, 0 नहीं चलेगी, उसके बाद डेसिमल हो, इरेशनल हो, रेशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 डाल दो, √3 डाल दो, 1.5 डाल दो, 5 डाल दो, यूलर नंबर, गोल्डन नंबर, एनीथिंग, कुछ भी डाल सकते हो x की वैल्यू लॉग के अंदर, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक्सेप्टेबल है, बट 0 नहीं चलेगा, वो नाराज हो जाएगा 0 पर, और नेगेटिव वैल्यू पर नाराज हो जाएगा। देन सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जो ये बेस होता है, ये बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस को भी नेगेटिव वैल्यू पसंद नहीं है और 0 भी पसंद नहीं है, ओके और इसके साथ साथ इसमें एक और होती है, चलो थर्ड बोल देते हैं हम, a should not equal to 1, a की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए, ओके तो बेस के लिए 2 conditions, एक तो पॉजिटिव वैल्यू लेगा हमेशा, 0 नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा, और एक 1 के इक्वल नहीं होगा। ऐसा क्यों है, इसको भी हम थोड़ा सा भी हम समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया कि लॉग, सपोज मैंने यहाँ लॉग 4 ले लिया और बेस में 1 डाल दिया। अब हमने सीखा था इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम वैल्यू कैसे निकालते थे कि बेस की हम पावर कितना लगाएं कि 4 आ जाए, जितना पावर बेस पर लगाने से हमें आंसर मिलता था वो हम यहाँ लिखते थे, है ना, वही आता था ना, यदि बेस अभी 2 होता, लॉग 4 बेस 2, तो 2 की पावर 2 लगाने पर 4 आ जाता, तो हमारा आंसर राइट साइड में जहाँ एरो मैंने लगाया, राइट एरो, वहां पर क्या लिखते हम 2 लिखते थे। बट 1 की पावर 2 कितना होता है, 1 होता है, पावर 100 कितना होता है, 1 होता है, 1 पावर 43, 1 होता है, तो 1 की पावर कुछ भी लगा दो आंसर कितना आने वाला है, 4 ही आने, सॉरी 1 ही आने वाला है, 4 कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी बेस 1 होगा तो कभी आंसर मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए हम बोलते हैं इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक एग्जांपल हो गया, ऐसा एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं।
सेकेंड एग्जाम्पल लॉग वन बेस वन। अब इसमें क्या वन की पावर कितनी लगाएं कि वन आ जाए, तो हमें पता है इसकी पावर जितनी हम लगाते हैं ऊपर वाली वैल्यू बनती है, बेस की पावर अप्लाई करने पर वो आंसर होता है। तो वन की पावर वन कितना होता है, वन होता है। वन की पावर टू वो भी वन होता है, वन की पावर थ्री वो भी वन होता है, वन की पावर टेन भी वन होता है। तो यहाँ इन्फाइनाइट आंसर आ सकते हैं, इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी चीज के इन्फाइनाइट आंसर्स हैं, एक लिमिटेशन क्राइटेरिया होती है, क्राइटेरिया होता है, तो इसलिए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक रूल बनाया गया कि ये जो ए है कभी भी वन के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमने इनके एग्जाम्पल्स देखे। ओके, अब हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ कैसा होता है, तो देखो इसका जो ग्राफ है, चलो मैं रेड कलर से बना दूं, इसका ग्राफ टू कंडीशंस में होता है। सबसे पहले हम कंडीशंस को नोट करेंगे। तो जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस क्या है, ये कंडीशन है फर्स्ट, ये बेस पर डिपेंड करता है। तो पहला मैं बनाऊंगा यदि ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन है, ना, ए का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन वन, और सेकंड क्या है ए का वैल्यू लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो। ए का वैल्यू एक तो केस में वन से बड़ा होना चाहिए, यानी कि बेस जब वन से बड़ा है, और एक केस है बेस जब वन से छोटा है जीरो से बड़ा है, क्योंकि निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसलिए टू केसेस होते हैं, और इन केसेस में टू ग्राफ होते हैं। हम ऐसा भी देखो, मैं कैसे याद रखता हूं, मैं एक चीज बोलता हूं, यदि कोई चीज वन से बड़ी है तो इसको हम बोलते हैं ताकतवर, और वन से छोटी है तो उसको बोलते हैं कमजोर। तो ये वाला जो ए है हमारा, ये वाला जो ए है, ये क्या है हमारा ताकतवर, है ना, ये ताकतवर ए हो गया। और ये वाला जो ए है ये क्या है हमारा कमजोर है बेचारा, क्योंकि वन से छोटा है जीरो के बराबर है, तो फ्रैक्शंस में ही वैल्यू आएंगी, है ना, फ्रैक्शंस में वैल्यू आएंगी, तो उसको हम कमजोर बोलेंगे, और जिसका वैल्यू वन से बड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, ताकतवर। अब हम ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ जो होता है देखो इस तरह से बनता है। ताकतवर चीज है वो हमेशा कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी, है ना, ताकतवर चीज हमेशा ऊपर जाती है, तो ये नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर चला जाता है। पर देखना हमेशा वाई एक्सिस के राइट में ही रहेगा, वाई एक्सिस के हमेशा राइट में ही रहेगा। क्यों राइट में रहेगा, क्योंकि हमने पहले ही बात की है एक्स क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्स पॉजिटिव होगा इसलिए राइट में रहेगा, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आता है 1,0। 1,0 क्यों आता है, एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो लॉग 1 कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, इस तरह से हमारा ये ग्राफ बन गया। अब यदि हम कमजोर वाले की बात करें, जब ए का वैल्यू 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तब कोई भी चीज कमजोर होती है तो वो ऊपर से नीचे आती है, ना, तो ऊपर से नीचे आती है, लेकिन अभी भी एक्स की पॉजिटिव साइड नहीं रहेगा। तो हम बोलेंगे इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा, ये यहां पर भी एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट कट होता है वो 1,0 होता है, क्योंकि लॉग 1 इज ऑलवेज 0, बेस कुछ भी बना रहे, है ना, क्योंकि हम 1 के अलावा और नेगेटिव वैल्यू और 0 के अलावा यदि बेस की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो 1 कब आएगा, जब हम उसकी पावर 0 डालेंगे, लाइक लॉग 1 बेस 10 ले लिया तो 10 की पावर 0 होगी तभी 1 होगा। सिमिलरली लॉग 1 बेस में 5 ले लिया, 5 raised to power 0 = 1, तो इसलिए ये पॉइंट 1,0 आएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखो, यहाँ पर भी ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर एक चीज और देखनी है, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि लॉग जीरो की वैल्यू बताओ, क्या पूछ लिया जाएगा, लॉग जीरो की वैल्यू। तो जीरो कहाँ होता है हमारा, देखो यहाँ पर होता है। अब जीरो पर हम देखेंगे फंक्शन कहाँ जा रहा है, एकदम नीचे जा रहा है, और नीचे क्या होता है माइनस इनफाइनाइट, तो हम लॉग जीरो को क्या लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट। ये चीज नोट कर लो, लॉग जीरो हम नॉट डिफाइन लिखते हैं, फिर भी यदि हमसे पूछ लिया कभी हमें काम आएगा तो लॉग जीरो का वैल्यू हम क्या यूज करने वाले हैं, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। सेम यहाँ, अब माइनस इनफाइनाइट किस केस में, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन है। अब यदि हम यहाँ की बात करें, जब ए का वैल्यू कमजोर है वन से छोटा, तब जीरो पर ग्राफ कहाँ है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर लॉग जीरो बेस ए में लिख देता हूं दोनों में, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा,
प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि ऊपर क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट होता है। ओके तो इस तरह प्लस इनफाइनाइट वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब एक और चीज ध्यान से देखो, यदि हम बोलेंगे हमारी वैल्यू, जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन है, याद रखो ध्यान से, ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन है और एक्स का वैल्यू वन से छोटा है, जीरो से बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा और वन से छोटा, तो ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है, ये चीज इस रीजन में होगा, इस रीजन में हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स नेगेटिव होगा, और ये जो दूसरा ए रीजन है वन से बड़ा, इस वन दूसरे रीजन में क्या होगा, यहाँ पर ए भी वन से बड़ा है और एक्स भी वन से बड़ा है, तो हमारा जो फंक्शन है इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब देखो हम कैसे याद रखेंगे, ए बड़ा वन से बड़ा यानी कि ए ताकतवर है, अब ए भी ताकतवर और एक्स, हम इसको फोकस करें, इसको जरा फोकस करो, यहां पर नीचे वाली चीज ताकतवर वन से बड़ी और एक्स भी वन से बड़ा यानी कि एक्स भी ताकतवर, दोनों देख ताकतवर, तो लॉग भी ताकतवर, तो लॉग भी क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके और यदि ए छोटा, ए वन से बड़ा मतलब ए ताकतवर हो गया और एक्स वन से छोटा हो गया, मतलब ये वाला इंटरवल, तब हम क्या बोलेंगे, वैल्यू कैसी आने वाली है, निगेटिव आने वाली है ना, वैल्यू कैसे आने वाली है, निगेटिव आने वाली है, इसलिए हम इस तरह से याद रखते हैं, एक्स और ए दोनों ताकतवर तो वैल्यू वन से ज्यादा, एक ताकतवर एक कमजोर तो वैल्यू निगेटिव, दोनों ताकतवर तो वैल्यू पॉजिटिव, शायद मैंने पहले वन से ज्यादा बोला था, करेक्ट है ना, ए और एक्स दोनों वन से बड़े हैं, दोनों ताकतवर हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक ताकतवर एक कमजोर तो क्या आएगी, वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, और दोनों इंच कमजोर हो गए तब क्या होगा, वो केस हम दूसरे वाले ग्राफ देख, तो देखो यहाँ पर ए क्या है, कमजोर है, एक्स को भी कमजोर बना दो यानी कि जीरो और वन के बीच में लिख दो, अब जीरो और वन के बीच में लिख दिया तो देखो वैल्यू ग्राफ कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब कैसी वैल्यू मिल रही है हमें, पॉजिटिव, और जब एक्स का वैल्यू वन से बड़ा हो गया तब ग्राफ नीचे आ गया, ये नेगेटिव, तो वही अगेन हमारे फंक्शन में देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ए वन से बड़ा और सॉरी ए वन से छोटा है, तो जब एक्स को भी वन से छोटा कर दिया, दोनों को कमजोर कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, और एक्स को जब एक्स छोटा था सॉरी ए छोटा था और एक्स बड़ा था तब वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई। तो सिंपल याद रखो, ए और एक्स दोनों एक जैसे नेचर के होंगे, दोनों ताकतवर तो पॉजिटिव वैल्यू, दोनों अपोजिट नेचर के, एक कमजोर और एक ताकतवर, तो फिर वो क्या होगा, वो वैल्यू निगेटिव आएगी। इतनी चीजें हमें याद रखनी, तो अभी आप नोट बनाओ और नोट में ये चीज लिख लो, दोनों ताकतवर तो वैल्यू पॉजिटिव, दोनों कमजोर तो वैल्यू पॉजिटिव, एक कमजोर एक ताकतवर तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके तो इस लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किया, ये सारी चीजें आप इसको अच्छे से नोट करना, कि और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, वहाँ पे नोट्स शॉर्ट ट्रिक्स पेपर्स पेपर प्रैक्टिस सीट एवरीथिंग आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लॉग में बहुत कुछ है हम सीखने के लिए और हर एक लेक्चर इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ एक मजेदार चीज हम सीखेंगे, नई चीज है। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 28 में।